दोस्तों मेरे साथ बैठे हैं बहुत ही प्रख्यात शिकारी जिन्होंने जिम कॉर्बेट से भी ज़्यादा मैन ईटर मारे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके इंटरव्यू की शुरुआत करता हूं अपने 1,20,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ से उनको प्रणाम करके, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बातें करते हैं, इन्होंने करके दिखाया है। तो सबसे पहले तो लखपत जी प्रणाम। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं वर्तमान में उप शिक्षा अधिकारी गैरसैंण के पद पर कार्यरत हूं और अभी रिटायरमेंट का लगभग 8 महीने बचे हुए हैं। अच्छा जी। तो सर जैसे कि सारे जानते हैं कि आपने कितने लेपर्ड मारे हैं, सबसे पहले उसी से संबंधित मेरा एक सवाल है कि जब आपने पहली बार कौन सा शिकार किया था और कहाँ पे किया था? मैंने फर्स्ट शिकार 2002 में किया था और वो मैनीटर इसी आज जो हमारे बैक साइड आपको दिखाई दे रहा है जो पोर्शन, अच्छा। इसी पोर्शन पे कार्यरत कर रहा था उस समय। तो ये 12 बच्चों को मार चुका था उस समय और वो सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले थे। तो उस समय मैं वहीं पे अध्यापक था उसी साइड पे। तो मेरे को भी लगा यार ये लगातार बच्चों को मारता जा रहा है, और मैं SSB ट्रेनिंग के बाद एक बेस्ट शूटर के रूप में था वहाँ, परंतु मेरे पास उस समय गन नहीं थी। तो बाद में 98 में मेरे को DM साहब ने गन लाइसेंस दिया था, तो मेरे पास भी उस समय गन थी कि मैं भी उसको मार सकता था, परंतु फॉरेस्ट वाले मेरे को परमिशन नहीं दे रहे थे। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद और बड़ी उसके बाद, जबकि निसंग जी हमारे विधायक हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने भी फॉरेस्ट वालों को कहा कि जब ये लोग मांग रहे हैं परमिशन मारने की और ये अपनी छुट्टियों में मारेंगे, तब उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। और मैंने लगभग 8 महीने के अथक प्रयास के बाद तब मेरे द्वारा उसको 15 मार्च 2002 को मारा गया था। तो उस समय फीलिंग दूसरी प्रकार की फीलिंग थी, क्योंकि उस समय वो लगातार 12 बच्चे मार चुका था। तो आप लगा लो एक अध्यापक के यदि पढ़ने वाले 12 बच्चे मार दिए जाएं, तो उस अध्यापक के प्रति उस समय उनके उस टाइगर या लेपर्ड के प्रति दूसरी प्रकार की फीलिंग थी। तो उस समय मेरे को ये लगा कि मैंने बच्चों के हत्यारे को मारकर इनकी आत्मा को शांति दी है, इस प्रकार की फीलिंग थी मेरे पास उस समय। तो वो मेल था कि फीमेल थी? वो मेल था, परंतु उसकी ग्रोथ रेट बड़ी नहीं थी, एक बौना टाइप का लेपर्ड हो गया था। मतलब इस कारण एज तो बहुत ज़्यादा थी, परंतु उसकी जो ऊंचाई थी ऊंचाई बहुत कम थी, और इसलिए वो ज़्यादा दिखता भी नहीं था, क्योंकि उसकी ऊंचाई कम होने के कारण वो ज़्यादा लोगों को शो भी नहीं हो पाता था। और उसकी एक विशेष खासियत, बाद में वो लगातार 3 साल तक उसने यहाँ पे कार्य किया था या मारा था लोगों को, बच्चों को, तो उससे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया था। ट्रेंड का मतलब इस प्रकार के कि वो और इस प्रकार का सीख गया था कि उसने 5 बच्चों को बारातों से उठाना शुरू कर दिया। जब लपेट को भगाने के लोग ढोल दबाओ या बाजे का प्रयोग करते हैं, परंतु वो जहां बाजा बजता था वहां पहुंच जाता था, और उसने 5 बच्चों को बारातों से उठा लिया था। मतलब वो इस प्रकार के उसके बिहेवियर ही चेंज हो गया था पूरा। तो बहुत अथक मेहनत करने के बाद, क्योंकि उसको लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था। जब भी कोई किल बॉडी या ह्यूमन बॉडी या बच्चों की बॉडी या दी जाती थी, तो उस पर भी नहीं आता था, क्योंकि वो सीख चुका था हर प्रकार से आदमी के व्यवहार को, आदमी के जो उन्होंने और शिकारी जो बड़े बड़े शिकारी थे उन्होंने जो मिस्टेक की थी, उस मिस्टेक को उसने फॉलो करके उससे ज़्यादा होशियार बन गया था। तो उसको मारना बहुत टफ था उस समय। तो वो जब मतलब आपने उसको मारा तो मचान में बैठ के मारा कि कैसे मारा? नहीं, मैंने उसको ऐसा था उसको, क्योंकि उससे पहले वो लगातार 15-20 दिन में वो 3 बच्चों को मार चुका था। तो हम प्रत्येक की बॉडी पे बैठ रहे थे तो उसको मिल नहीं पा रहा था, तो हमने उसका लगा दिया था कि बॉडी पे नहीं आ रहा, बल्कि ये अलग से नए शिकार की खोज में और उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया पे चल दे रहा था। तो जहाँ उसने किल किया था वहाँ पे उन्होंने बॉडी रखी थी, मैं बॉडी के साथ बैठा रहा, बॉडी के साथ मैं लगभग 8-9 बजे तक बॉडी के साथ बैठा रहा, परंतु वो बॉडी पे उसने आना नहीं था, इसलिए मैंने जिप्सी ली और जिप्सी में ओपन सर्च करने के लिए मैं उसके उस एरिया के लगभग 10 किलोमीटर रेडियस में, और जबकि लपेट के लिए तो 2-3 किलोमीटर था पैदल का, परंतु गाड़ी से हमको 10 किलोमीटर रेडियस घूमना पड़ रहा था। तो 10 किलोमीटर रेडियस में जब मैं घूमा तो मैंने देखा कि एक मकान के आगे गेहूं थे, उसमें मार्च का टाइम था, तो छोटे छोटे गेहूं हो रखे थे, उसके अंदर कुछ आंखें चमक रही है। तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ उस समय कि यार ये आंखें चमक तो रही है कि लेपर्ड का है या क्या है। फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया था, फिर मैं बैक मैंने जिप्सी को बैक किया, फिर उसके ऊपर आया, फिर मैंने गौर से जब उसको देखा, अरे तो ये तो लेपर्ड है, तो तुरंत मैंने उसको फायर किया, वहीं पर गिर गया। जब मैं उसको नीचे जा रहा था तब देखा मैंने कि उसके सामने जिस मकान की छत से मैंने फायर किया
उस मकान की छत के नीचे वाले पे एक कोई मोमडन थे लेबर, उसका बच्चा बर्तन माज रहा था, 10 साल का बच्चा, और वो उसको किल करने के लिए वो उसके सामने बैठा हुआ था, उससे वो केवल 10 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ था। फिर तब मेरे को लगा कि हाँ ये तो ओरिजिनल लेपर्ड है, क्योंकि मतलब इतना नजदीक बैठना और इस प्रकार से बैठना, तो ये तो मतलब, क्योंकि जब उसकी बॉडी लग रही थी उस समय वो छोटा लग रहा था, परंतु जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तब उसके सर और उसके दांतों से और उसके एज का जब पता चला कि तो 12 साल का बूढ़ा बाघ है, 12 साल का बूढ़ा बाघ था। तो उस दिन यदि हम थोड़ा भी मिस्टेक करते तो एक किल और एक हो जाता, मतलब घात लगा के बैठा। हाँ, घात लगा के बैठा। जब आपने निशाना लगाया तो आंखें दिख रही थी आपको जी, तो आपने कहाँ निशाना लगाया? उसके बाद मैंने उसके सर को छोड़ के बिल्कुल उसके चेस्ट पे लिया था, क्योंकि सर का ऐसा था कि सर को हम अचानक फायर कर रहे थे, फिर मेरा फर्स्ट फायर भी था, तो लग रहा था कहीं मैं मिस न कर जाऊं, इसलिए मैंने उसका चेस्ट मारी थी, तो चेस्ट में बहुत एक्यूरेट लगी थी, वो वहीं पे गिर गया। तो चेस्ट दिख रही थी आपको? हाँ, चेस्ट दिख रही थी, वो बैठ के मैंने उसको चेस्ट को लिया था, चेस्ट पे मार दिया था। तो जैसे कि जो आपने बताया कि आप बॉडी रखते थे बच्चों की, तो पेरेंट्स और घर वाले अलाउ करते थे? हाँ, बच्चे, क्योंकि प्रत्येक आदमी चाहता था यार तो मेरा बच्चा तो मर गया, कम से कम आगे के वो तो रुक जाए। हाँ। इसलिए अभी भी जहाँ भी कोई भी पहाड़ में तो ये है कि भाई जब कहीं किल हो गया तो लोग अपनी ह्यूमन बॉडी दे देते हैं। हाँ। कि यार कम से कम जो चले गया उसका पछतावा न करके कम से कम अगले आने वालों को तो बचाया जा सके। तो हमको तो बहुत बॉडियां लोग देते हैं, क्योंकि विश्वास रहता है, इसलिए लोग मतलब ये भलाई, ये भी एक मतलब उदाहरण देने लायक एक मतलब एग्जांपल है ना, कि जिसके घर में ये बीती है वो दूसरों की भलाई चाहता है उस कंडीशन में भी, है ना। दूसरा एक मेरा सवाल है कि जैसे जब आप, ये आपका पहला शिकार था, तो भी आपने घर में बताया होगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद धीरे धीरे करते, आपने टोटल कितने मारे अभी तक? मैं अभी तक 55 है, उसमें से 53 लेपर्ड है और 2 टाइगर है। 2 टाइगर है। तो जैसे आप जाते हैं तो घर वालों का क्या फीलिंग होती है जब आप निकलते हैं कि हम, मैं उस जगह जा रहा हूँ? ऐसा होता है इसमें, यदि घर वाले हमको सपोर्ट नहीं करते तो ये काम करना बहुत टफ था, क्योंकि इस तो 100% रिस्क है ना भाई, शिकार वो भी शिकारी है, हम भी शिकारी है, तो शिकार किसका हो सकता है किसी को पता नहीं ना भाई, अकेले बाहर हम भी है उस रात में और वो भी है, तो कोई भी शिकार हो सकता है, परंतु तो इसमें घर का सपोर्ट हर चीज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, हम एक दिवाली की, छोटी दिवाली थी, छोटी दिवाली के साथ मेरे साथ गाँव के 2 लड़के रहते थे, एक मेरा दोस्त था श्याम सिंह, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और एक बिरेजनर, हम लोग तीनों आदमी बैठे हुए उस दिन एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि दीपावली की छोटी दीपावली थी। तभी रात को ठीक 11 बजे हमको फोन आता है, वो भी टिहरी हिंडोला खाल से, कि यहाँ पे लेपर्ड ने एक बच्चे को उठा लिया है, और गोपाल सिंह साहब थे उस समय DFO, और रावत आप कल सुबह किसी भी हालत में हिंडोला खाल पहुंच जाए। मैंने उनको पूछा सर क्या है, बोले यहाँ तो ऐसा है कि बच्चे को, बच्चे एक ही लड़की थी 70 साल के बुड्ढे की, और लड़की को लेपर्ड उठा के ले गया और बुड्ढे ने पॉइजन खा लिया है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैंने उनको पूछा क्या बच्चे की बॉडी मिली, बोला बॉडी नहीं मिली। तो मैंने बोले सर सुबह क्या करना है, मैं अभी चलता हूँ, तो मैं 12:10 पे गैरसैंण से चला, और 4 बजे में देवप्रयाग था, और 6 बजे में हिंडोला खाल था, और 15 मिनट में वहां से 3 किलोमीटर पैदल दुरूगी पहुंचकर 6:18 में मैंने लेटबर्ड को शूट कर लिया। आप लगाइए कि ये जुनून तो था। हाँ। कि भाई मतलब किसी की जान बचाने के लिए, औरों की जान बचाने के लिए मैं रातों रात चल के और केवल 6 घंटे में ही लेपर्ड को शूट कर दिया था। यदि घर वाले मना करते तो कैसे जाते? हाँ, ठीक। लेकिन ऐसा था कि जब हम घर से चले तो हम तो गाड़ी चला रहे थे, रात को चल रहे थे, तो घर वाले भी सोए रहे थे, वो हर 10-15 मिनट बाद कॉल कर रहे थे आप कहाँ पे पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम था यार ये लोग चल रहे हैं और ये आज इंजॉय पार्टी में भी थे, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये था कि घर वालों का सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है। चलो ये मतलब बढ़िया, तभी आप ये काम कर पा रहे हैं जी। तो जैसे आप जो लेपर्ड मारते हैं उनको आप नाम देते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट ने दिया कि पनार मैनिटर रुद्रप्रयाग? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर लेकिन जैसे एक अभी हमने ये डीडी हार्ट वाला मारा था, तो वो केवल शराबियों को मार रहा था और अल्कोहल पी रहा था उनके पेट से, तो उसको हमने अल्कोहली मैनिटर नाम दिया था। और एक जैसे एक यहाँ कोई जॉय साहब ने मारा था, वो हर सैटरडे को किल कर रहा था, तो उन्होंने उसको सैटरडे मैनिटर के नाम दिया था। कुछ जो विशेष होते हैं केवल उन्हीं को दिया जाता है, बाकी औरों को तो नहीं नाम नहीं देते। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली थी कि जब वो 12 बच्चों को लेपर्ड ने मारा था और जब आप उसको गोली मार रहे थे,
तो आपके मन में गुस्से की भावना थी क्योंकि आपके विद्यार्थियों को मारा था जी। वही भावना हमेशा रहती है कि हर बार भावना चेंज होती है? नहीं, अब तो ऐसा है जब हम इस कार्य को किया तो हम देखते यार ये तो बहुत शानदार जानवर है और इस शानदार जानवर को मारने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। तो आप ये लगाइए कि हमने जंगल से एक राजा समाप्त कर रहे हैं, एक राजा का राज्य समाप्त कर रहे हैं, तो आपकी फीलिंग तो अपने आप ही चेंज होगी ना। और फिर मेरा तो ऐसा नहीं है कि हमें परमिट मिला है और हमको उसको शूट करना ही करना है, जबकि परमिट में अभी ऐसा है कि 15 दिन आप उसको बचाएंगे, तो मैं हमेशा 15 दिन बाद जाऊंगा या 15 दिन तक जाऊंगा तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि उसने कहीं सेकेंड अटेम स्टार्ट किया फिर तो तब लगता है कि वास्तव में ये मैनेटर हो गया है। भाई एक किल के बाद कोई मैनेटर नहीं होता है कि भाई ईटिंग और किलिंग अलग अलग है भाई। कोई जैसे अभी यहाँ गंगोली हार्ट साइड का है कोई, वो उसने केवल 2 बच्चों को किल किया है, तो कह रहे थे परमिट के लिए, मैंने परमिट तो है परंतु ये किलिंग है, इटिंग नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है, सुधर जाता है। मैं तो बागेश्वर में हुआ और चंपावत में या ओखल कांडा हुआ, ऐसे दो कितने मैनेटरों को छोड़ के आया हूँ। नहीं, ये मैनेटर इसका व्यवहार चेंज हुआ ही नहीं, इसको मारने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब तो फीलिंग इस प्रकार की है कि हम किस प्रकार से इसको भी बचाएं और अपने आप भी बचे और जनता को भी बचाएं। जनता का मेन है, जनता कुछ इस प्रकार की सावधानियों को करे तो वो भी बच सकती है, लेपर्ड तो अपना भी बच जाएगा ना, फिर तो लेपर्ड आदमखोरी नहीं होगा तो अपना भी बचेगा, तो वो फीलिंग नहीं है। अब तो ऐसा है कि हमको किसी भी प्रकार से उसे भी बचाना है और अपने आप भी बचना है। इसी से संबंधित मेरा सवाल है कि जैसे कि मेरा चैनल वाइल्ड लाइफ का चैनल है और इसमें उत्तराखंड, अमेरिका, सब जगह लोग देख रहे हैं जी। एक जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ बचाव के, लेकिन आप तो क्योंकि फील्ड में ही हैं, आपने तो वो चीज को करके दिखाया है। सिंपल शब्दों में दो चीजें, एक ही सवाल में दो बातें पूछ रहा हूँ आपसे। एक तो है कि जनरल कॉन्सेप्ट कि आपको लेपर्ड से कैसे बचना है या टाइगर से कैसे बचना है, पहला सवाल। इसी के अंदर दूसरा सवाल यह है कि आपके सामने आ गया, जैसे आपके पास तो बंदूक है, आम इंसान के पास नहीं होती है, आपके सामने वहां पे लेपर्ड खड़ा है या टाइगर खड़ा है, त्वरित आपको क्या करें जिससे आप बच सकते हैं? देखिए बचाव के तो, लेपर्ड के बचाव के अनेक प्रकार के तरीके हैं। सबसे पहले तो लेपर्ड और टाइगर में बहुत अंतर है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ का जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन केवल टाइगर पे बनी हुई है। भाई आप 375 बोर, अभी मैं परसों देख रहा था, 375 बोर से ही केवल शूट कर सकते हैं। भाई आप टाइगर और लेपर्ड को अलग अलग करो ना, सबसे पहले तो मेन तो लेपर्ड और टाइगर को अलग अलग, इनकी जो नियमावली है वो अलग अलग बननी चाहिए। भाई टाइगर केवल दिन में ही मारा जाएगा, रात में तो बहुत टफ है ना, बस जो कोई किल कोई किलिंग होगी तभी तो आप उसको मार पाएंगे। बाकी टाइगर के लिए तो आप यदि उसके क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं तो आप तो सेफ बचे हुए हैं ना। और लेपर्ड, लेपर्ड तो आपके घर से उठा के ले जा रहा है ना आपको, और लेपर्ड कभी भी दिन में नहीं मारा जाता है, लेपर्ड अक्सर रात को ही मारा जाएगा। भाई अपना आप ही अंतर हो गया, शिकार करने का तरीका अलग है और टाइगर तो राजा है, लेपर्ड तो हमेशा अपने से छोटे पे ही अटैक करेगा, अपने से कमजोर पे अटैक करेगा ना, और पीछे से वार करेगा। टाइगर तो हमेशा अपने सामने से अटैक करेगा ना। भाई जब दोनों का व्यवहार ही अलग है तो नियमावली एक क्यों हो? भाई जब व्यवहार अलग है, शिकार करने का तरीका अलग है, तो उसको हर टाइटल करने का भी तो अलग अलग होना चाहिए। दो एक मेरा सवाल है, जैसे कि टाइगर के लिए सुंदरबन में आप देखते हैं कि मुखौटे सिर के पीछे बनाए जाते हैं, क्योंकि टाइगर का भी है कि वो पीछे से करता, पीछे से भी अटैक करता है, लेकिन ऐसा टाइगर घबराता नहीं है ना, नहीं घबराता, लेपर्ड तो घबरा जाता है, लेपर्ड का तो ऐसा। और आप चाहे तो एक बार लेपर्ड से लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, टाइगर से आप नहीं लड़ सकते। तो जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले तो बचाव में सबसे मेन है कि जो भी अटैक लेपर्ड का होगा वो 6 बजे से 8 बजे के बीच शाम को होता है, और बच्चों पे होता है, घर पे होता है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को इस प्रकार से उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को अभी से स्टार्ट कर दें कि उनको किसी भी प्रकार से 6 बजे से 8 बजे के बीच घर से बाहर नहीं होना चाहिए। भाई उस समय उसकी माँ गौशाला में होगी दूध दोहती हुई, बाप मार्केट में होगा, अधिकतर तो आर्मी वाले हैं तो वो तो अक्सर ही बाहर है, माँ ही घर पे है, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ उस समय घर पे रहता है। तो उस समय उसको अपने होमवर्क को, इस प्रकार के कार्य को करे कि वो घर के अंदर बना रहे, जब उसकी माँ आ जाए तब तो कोई बात नहीं, तो अपना आप ही हुए ना उसका अटैक कम हो जाएगा। जैसे औरतें घास काट रही, हमारे यहाँ पहाड़ों में घास झुक के काटते हैं या गुड़ाई कर रहे तो झुक के करेंगे, फसल काटेंगे तो झुक के करेंगे, झुकने से क्या होगा कि लेपर्ड को गले तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी।
तो वो आसानी उन पर अटैक ज्यादा होगा। तो उसमें हम क्या करें कि यदि हमें तीन औरतें हैं तो तीन में से दो औरतें काम करती रहे, एक औरत खड़ी हो जाए, खड़ी होकर वो चारों ओर देखे। तो लपेट का ये है कि जब तक उसकी ओर किसी की नजर है तब तक वो अटैक नहीं करेगा। वही मुखौटे वाले आपने बोला, वही सेम, यदि हम उसके पीछे मुखौटा लगा दे, आगे हमारे पास मुंह है तो उसने हमारा मुंह देखा, ये मेरे को देख रहा था, अटैक कर देगा। जब तक हम पीछे पलटे तो हमारा मुखौटा आ जाएगा, फिर वो बोलेगा यार इसका मुंह दिख रहा है, तो वो 25% अटैक में वो कंफ्यूज में हो जाएगा, तब तक उसका टाइम निकल जाएगा, तो आपसे बच गए ना। तो वही एक औरत उठ जाए 5 मिनट और चारों ओर देख ले, और उसके बाद वो फिर अपना काम करने लग जाए, तब तक दूसरी औरत उठ जाए। तो लपट जो अटैक करने के मूड में होगा उसका अटैक फेल हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम मूड करें, जैसे लखपत सिंह जी ने बताया, इसमें मैं थोड़ा सा और इसको जोड़ दूं बात को, कि जो इनकी बात बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, जब लपट शाम के टाइम पर निकला है, वो मैन ईटर नहीं है, वो निकला है अपना भोजन तलाशने के लिए, जैसे कि आदमी निकलता है। अब उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, वो निकला तो बकरी तलाशने के लिए था या कुत्ता तलाशने के लिए, एक बच्चा आता है तो उसको शिकार बना लेता है। तो उसके लिए आपने बोला कि अगर बच्चा 6 से 8 के बीच में, जो कि उसका मेन प्राइम टाइम है हमला करने का, उसमें घर से बाहर निकलेगा ही नहीं तो उसको बच्चा मिलेगा ही नहीं, वो बकरी को मार के या कुत्ते को मार के चला जाएगा जो कि उसका भोजन है। तो जो अननेसेसरी एक लपड़ जो निकला तो था जानवर मारने के लिए, बच्चा सामने खेलते मिल गया, उसको लालच आ गया, आसान शिकार समझ के मार दिया, ऐसे बहुत सारे हमले रुक जाएंगे अगर इस सलाह पे गौर कर लिया जाए कि 6 बजे से 8 बजे तक ये शिकारी है। देखिए, मैं किताब पढ़ के बैठा हूँ, आपने करके दिखाया, ये सच बात बोल रहे हैं, 6 बजे से 8 बजे ये प्राइम टाइम है। मैंने अक्सर अपने वीडियो में बताया कि टाइगर भी 6 से 12 बजे तक ही किल करता है, फिर सो जाता है, भूखा रहे तो भी सो जाता है। तो अगर उस टाइम पर बच्चों को ना निकलने दिया जाए, क्योंकि बच्चे सबसे आसान शिकार है, उसके बाद महिलाएं, फिर पुरुष आते हैं। जी, जैसे आपने बताया 12 बच्चे ही मारे थे उसने। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया शिकार के बारे में, एक मेरा सवाल है कि क्या कारण है कि ये तेंदुआ या टाइगर, नॉर्मल टाइगर या नॉर्मल तेंदुए से मैन ईटर बन जाते हैं? इसमें ऐसा है, मेन तो हमारे पास पॉपुलेशन का है, उत्तराखंड में लेपर्डों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो सामान्य से ज्यादा है। सामान्य से ज्यादा होगा, हमारे पास 100 आदमियों के लिए खाना है और खाने वाले हमारे पास 200 हो जाएंगे, तो आप लगा लो ना भाई, 100 आदमी कुछ तो कुछ करेंगे ना। तो वही है, एक तो खाने की मेन प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम नहीं होती, संख्या ज्यादा है। दूसरा, बाई चांस कोई लपट बूढ़ा हो गया, बूढ़े लपटों में जो मेल टाइगर या लपट होते हैं या टाइगर होते हैं, वो थोड़ा बूढ़े वाले में वही होते हैं कि उनके कैनाल टूट गए, वो हो गया, तो वो मैनेटर हो जाते हैं। और फीमेल का सबसे अधिक 75% जो किलिंग करती है वो फीमेल होती है। फीमेल का मेन है कि वो हर 21 मंथ के बाद फिर माँ बन जाती है। आप लगा लो कि एक पहला बच्चे हैं, उनको 18 महीने उसने पाला, 18 महीने के बाद वो हट गए, 3 महीने वो फिर गर्भवती हुई, और उसके बाद 21 महीने में फिर दो बच्चे दे दिए या 3 बच्चे दे दिए, तो आप लगा लो ना 2 से 5 हो गए ना वो। तो उसके लिए उनके भोजन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल को होती है, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के बहुत लंबे एरिया में जा भी नहीं सकती है, क्योंकि उसको फिर वापस लौटना पड़ता है। इसलिए फीमेल ही सबसे ज़्यादा अटैक करती है बच्चों पे, और क्योंकि उसको अपने बच्चों को खाने या दूध के लिए, जब वो खाना खाएगी तभी उनको दूध होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा अटैक उसी के द्वारा किया जाता है। और बाकी आप लगा लो कोई कैजुअल्टी हो गई, बहुत सारे कोई साई के, वो तो बहुत कम, जो प्राकृतिक रूप से है वो बहुत कम होते हैं, साई के नाखून वो चले जाना, कांटे चले जाना, या किसी का पांव टूट जाना, या किसी शिकारी द्वारा गोली चलाने के बाद कोई घायल है, इंजर्ड है, वो अलग हुआ, वो तो मतलब आप लगा लो 0.5% के लगभग है। पर मेन वो है, बूढ़े भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल जो ही लपट बूढ़ा होगा और वो मेल होगा वही ज्यादा, और या तो फीमेल होगी तो बहुत बूढ़ी फीमेल होगी, केवल वही ज्यादा अटैक करेगी। और टाइगर का तो ऐसा, टाइगर का तो वही हुआ, एक कैनाल टूटे तब अटैक करता, क्योंकि उसके पास टाइगर तो ऊपर वाले पोर्शन पे होता है, ऊपर वाले पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे खाना बहुत ज्यादा है, यहाँ तो खाना कम है, वहाँ तो बहुत ज्यादा जानवर है। तो वहाँ भी जैसे हमने 2 टाइगर देखे थे, एक टाइगर जो मैंने सुंदर खाल पे मारा था, उसने 7 औरतों को मार दिया था। तो वो ये है कि उसका एक मीनू चेंज हो गया है, भाई आप लगा लो कोई औरत यदि कोई घास काट रही, कुछ है, किसी लेपर्ड और टाइगर ने उस पर अटैक कर लिया, किसी पहले तो वो भी सोचता है क्या करूँ ना करूँ, भाई जस्ट कर दिया और उसने उसके मांस को खा लिया है,
तो आप ये समझ लो थोड़ा दिन के लिए क्या हो गया, उसका मीनू में एक भोजन और बढ़ गया है। लोग कहते हैं ना कि यार भाई ये तो आदमखोर हो गया, ये तो कुछ खाएगा नहीं, बकरा नहीं खाएगा, जैसे लोग हमको बोलते हैं ये तो कुत्ता नहीं खाएगा। अरे भाई वो क्यों नहीं खाएगा, बाकी क्या खाएगा, आदमी थोड़ी मिलेगा उसको, उसका तो मीनू में एक कोई चीज बढ़ गई है, टेस्ट कभी आया यार चलो आज इसको टेस्ट कर ले, तो फिर वो उस पे चले जाता है। तो वही है, तो वहां जैसे सुंदर खाल वाला था उसका टेस्ट बदल गया था, तो वो आदमखोर हो गया, वैसे वो तो जानवर मार ही सकता था। ये जो पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर वाले मारे, वो बचपन से ही खेतों में आ चुकी थी, तो खेतों में आने के कारण क्या हो गया, जब वो खेतों में आ गई तो अपना आप ही समझ लो वहां पे रहते हुए वो आदमखोर हो गई। तो आदमखोर होने का भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग उससे देखा जा सकता है कि मतलब किस प्रकार से आदमखोर हो रहा है। एक जैसे ये बद्रीनाथ वाले पे पिछले 2011 में एक लेपर्ड बहुत आदमखोर हो गया था, तो उसका भी ये हो गया कि वो रात को कोई साधु संन्यासी चल रहे होंगे तो कोई सोया होगा, तो उसने उसको किल कर लिया। उसको किल करने के बाद क्या हुआ, उसको उसका टेस्ट लग गया, उसने देखा यार रात को तो बहुत चल रहे, तो वो साधुओं को मारता रहा, किसी को ध्यान नहीं आया। जब यात्रा बंद हुई, यात्रा बंद होने के बाद उसने 3 दिन में मतलब लगभग 1 हफ्ते में 3 औरतों को किल कर दिया, तो आप ही फटक से पता चल गया कि ये आदमखोर हो गया। तो उसके बाद तब जबकि वो पहले से दिख रहा था, विष्णुप्रयाग पुल पे ही बैठा रहता था रोड पे ही, और रात को जो लोग पैदल कर रहे हैं उस पर अटैक कर लेता था, तो उसका तो अब टेस्ट बदल गया था और एज भी बहुत ज्यादा थी उसकी, तो फिर वो पसंद नहीं किया जानवरों को पकड़ना, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, घुरड़ और थार और बरड पकड़ना उसकी बस की बात नहीं थी, इसलिए वो अटैक करने लग गया था। तो अलग अलग प्रकार वो कब की बात है, कब की घटना है, ये 2011 में मारा इसको आपने, मारा हाँ 2011 में। तो कैसे मारा इसको, इसको वही सर्च लाइट द्वारा ओपन गाड़ी से, क्योंकि इसका जो दिख रहा जो उसका वो था कि इस पोर्शन से इस पोर्शन पे ये बैठा हुआ मिलता है, तो जब हमने देखा तो बिल्कुल विष्णुप्रयाग पुल के दूसरे थुए पे बैठा हुआ था, क्योंकि जब गाड़ी इस रूट से जाएगी तो ड्राइवर की नज़र इस साइड को होगी, तो गाड़ी यूँ काटेगा तो इसको यहाँ नहीं देख पाएगा, जब इधर से गाड़ी वाला आएगा तो उसकी नज़र फिर इस रूट पे रहेगी, तो टर्न करते ही यहाँ देखेगा तो उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो इस प्रकार का एक पत्थर था, उस पर उस पत्थर के ऊपर बैठा रहा था, जहाँ इधर जाने वाला भी नहीं देख पाता था, इधर जाने वाला भी नहीं देख पाता था। तो हम ओपन गाड़ी पे पीछे बैठे हुए थे, तो जो वो तो दूर से सर्च पड़ी तो उसके आंखें चमकने लगी, अरे मैं बैठा हुआ है, तो हमने ठीक उसके सामने रोकी गाड़ी, तो उसको मालूम था ये गाड़ियां तो चलती रहती है, क्या करेगा, तब जाके उसको शूट किया गया। उसको भी आपने कहा मारा, उसके तो बिल्कुल चेस्ट पे मारा, मैं अधिकतर चेस्ट पे ही मारता हूँ, केवल हेड शॉट उसका होता है जो बहुत आपको एकदम नजदीक हो, बाकी आप केवल सर से नीचे चेस्ट तक, चेस्ट तक कहीं भी राइफल की गोली मार दो लेपर्ड गिर जाता है, ऑन द स्पॉट गिर जाता है, ऑन द स्पॉट गिर जाएगा। तो जब गोली आप मारते हैं तो उसका आपकी तो पूरी निगाह है, आप उस पर एक एक मतलब आपने क्लोजली वॉच किया है जी, क्या एकदम से गिरता है कि जंप मार के गिरता है? नहीं ऐसा है, वो जैसे लोग बोलते हैं ना कि मतलब लेपर्ड या टाइगर इतना लंबा जंप ले लेता है, वो अलग चीज है, क्योंकि राइफल का धमाका इतना बड़ा है, इतना पावरफुल राइफल है कि लेपर्ड को उठने का मौका ही नहीं मिलता है, वो तो धड़ वहीं गिर जाएगा सीधे ही, गिर जाए, इतना बड़ा टाइगर गिर जाता है। हाँ। जैसे जो सुंदर खाल वाला टाइगर था, सुंदर खाल वाला टाइगर तो इतना बड़ा था कि मतलब आप लगा लो कि 2 क्विंटल वेट का था और 1.5 मीटर ऊंचा था, मेल था, कितना बड़ा मेल होगा। तो जब उसको जब शूट करने के लिए चारों ओर से जब हाथियों द्वारा उसको घेरा गया, उसके बाद जब हमने उसको शूट किया तो जो फर्स्ट गोली मारी तो उसके इस चेस्ट को मारी गई थी आगे से, तो उसका ये शोल्डर टूट गया था, उखड़ गया था शोल्डर, शोल्डर उखड़ने के कारण वो खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उसका वेट ज्यादा था, एक पांव तो पूरा टूट गया, तो कैसे उठेगा, यदि वो उठता तो उस दिन वो फाड़ देता बहुत लोगों को, चारों ओर से घेर रखा था, भीड़ थी उस दिन, भीड़ थी बहुत, कम लाखों आदमी थे, तो उसके बाद वो उठ नहीं पाता, तब उसको लगातार 3 गोलियां मारेगी तब जाके, और यदि इस प्रकार करने ही होता तो बहुत टफ हो जाता। और जैसे ये वाला था जो ये पश्चिमी वन प्रभाग की जो बाघिन थी, उस बाघिन को तो जो मेरा मैं ऊपर मचान पे बैठा हुआ था उसको इस प्रकार के घेर रखा था, मैं वहां से फायर कर रहा था, तो मैं जो फायर किया मैंने तो उसके पेट पे लगी, तो पेट से वो बौखला गई थी, तो जो मेरा जो लाइट वाला लड़का था वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, उसके पास 12 बोर थी केवल, 12 बोर में सिंगल बॉल भरी हुई थी, और टाइगर ने जो सर उठाया उसने ठक उसके सर पे मार दी थी, तो वहीं पर लुढ़क गई थी। तो वही तो बोलता कि वो कह रहे थे 375 बोर थे, मैंने बोला हमारे उस छोटे वाले लड़के ने तो 12 बोर से टाइगर को गिरा दिया था, तो वहां कहां लगे 375 बोर। अच्छा ये NTCA ने बोला कि 0.375 बोर होना चाहिए, लेकिन
लेपर्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया? नहीं, लेपर्ड की वो गाइडलाइन टाइगर की ही बनी हुई है सारी, लेपर्ड उसमें इंक्लूड है ही नहीं कहीं नहीं। अच्छा, ये जो हथियार हैं ये क्या फॉरेस्ट वालों के पास होते हैं? हाँ, उनके पास होते हैं। अच्छा, लेकिन फॉरेस्ट वाले क्या ट्रेंड नहीं होते, क्या वजह है कि नहीं मारते? नहीं, ऐसा होता है उसमें विश्वास की बात है, क्योंकि जनता उनपे विश्वास नहीं करती है, मेन ये है। मैं आपको एक बागेश्वर का केस बताऊं कि बागेश्वर में अक्टूबर 2011-12, अभी मेरे को क्लियर याद नहीं आ रहा, 10 तारीख को एक बच्चे को मार दिया था बाघ ने, और उसके बाद हम 11 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे। 11 तारीख को हम उसको सर्च किया पूरे जहाँ वो था, तो उससे ठीक 1 किलोमीटर रोड पे उसने 12 तारीख को दूसरे बच्चे को मार दिया। तब तक आवाज़ से उन्होंने कॉल कर दिया कि एक बच्चे को यहाँ रोड पे बाघ ने मार दिया है, गाँव अमसरकोट है कोई, अमसरकोट पे। तो हम वहाँ पहुँचे, तो जो हम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल गांव वाले बिल्कुल अजी तुम कहाँ थे, ये थे सोते, दुनिया भर का वो कर रहे मतलब आवाज़ें। तो जो भी फॉरेस्ट वाला जा रहा उसको पकड़ के पीटने शुरू कर दिया था। तो आप ये लगाओ, जब उनके पास पूरे डंडे आ गए थे, सब पिए हुए में थे, तो मैं जब पहुंचा तो बॉडी वहीं पे आंगन में ही बॉडी रखी थी, क्योंकि वो वहीं पे ले गया था, तो वहीं पे आंगन में बॉडी है। मैं बॉडी से आगे गया, मेरे साथ जॉय हुकिल साहब भी थे उस समय, दोनों आदमी थे हम। तो हम वहाँ से थोड़ा आगे गए, मैंने जो लाइट मारी तो आपको वहाँ से 50 मीटर पे लपट बैठा हुआ है। अच्छा। किल करके, क्योंकि किल उसी समय हुआ था, तो वो बैठा हुआ है। तो लोग वहाँ से डंडेबाजी शुरू कर रहे हैं फॉरेस्ट वालों के, मतलब अब उनकी क्या गलती है भाई, भाई वो तो सेवा कर रहा है ना, उसकी तो नौकरी है, परंतु लोग ऐसा कहाँ समझते हैं। फिर मैंने ये देखा कि कभी किसी को जंगल में लकड़ी इतना काटते हुए कुछ किया होगा, तो वो सारी खुंदक उस समय निकालते हैं गाँव में। राइट। तो उसके बाद जब जो उस लपेट पे जब लाइट पड़ी तो सबका ध्यान शोर हो गया, तो यहाँ की मार बच गई हमको। अब लपेट हमारे सामने है, हम एम किए हुए हैं, लाइट पे लपेट लेटा हुआ है। अब फायर करे, यदि लपेट को गोली नहीं लगती तो ये तो उनको पीट रहती, तो हमको भी पीट देंगे। भाई माइंड डबल माइंड हो रहा है, करे क्या समझ में ये नहीं आ रही है। तो फिर धीरे धीरे मैंने लंबी सांस ली, तो लपेट यूं उठ गया हल्का सा, तो मैंने जॉय को बोला लाइट को सीधे रखे, फिर ठीक एम बना के और माइंड को एक प्रकार से एकाग्रचित करने के बाद तुरंत मैंने फायर किया, तो उसके आगे से लगी और यहाँ से गोली बाहर निकल गई। तो फिर लपेट लुढ़कते हुए नीचे गिरता हुआ देख दिया लोग, ओ तुम तो हल्ला हो गया, ओ मर गया मर गया मर गया। मैंने बोला वो तो नहीं मर गया, हम बच गए, नहीं तो कोई पता नहीं लिखा, कोई विश्वास नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत टफ है ये। नहीं, जो आपने बात बोली है मुझे भी एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताई थी कि जब हम किसी को लकड़ी के लिए रोकते हैं, किसी के लिए करते हैं, तो जब कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है तो वो सारे उस बात की खुन्नस यहाँ पे निकाल लेते हैं कि जो मैन ईटर हो गया, तब वो सारा निकालते हैं। ऐसा होता है, देखिए हर तरह की बातें होती हैं। एक बात आपने जो बोली कि जैसे गांव वालों की इतनी सारी भीड़ थी, या जैसे मैन ईटर ऑफ सुंदरखाल, मैंने उसके बारे में भी दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे कि लेडी किलर के नाम से है कि लेडी किलर, तो आप देखोगे तो उस टाइगर को आपने ही मारा था। तो आप बता रहे हो 1 लाख लोग, मतलब इतनी पब्लिक जमा थी, जब इतनी पब्लिक, अभी जो आपने घटनाक्रम बताया उसमें भी पब्लिक जमा थी, तब आपके एक प्रेशर, तो आपने अभी उदाहरण दे दिया कि आपके मन में ये प्रेशर भी होता है कि अगर मेरा निशाना चूक गया तो उल्टा ये आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके मन में ये प्रेशर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो गोली किसी, जैसे विष्णुप्रयाग के पुल पे बैठा था, अब आपने टारगेट लिया, कहीं कई बार होता है ना कि चट्टान पे टकराई और राउंड लगे किसी लोग, ऐसा मन में प्रेशर होता है कि कोई आदमी ना घायल हो जाए, क्यों नहीं होता उसमें? देखो मैं आपको एक केस बताओ, मैं 2009 में एक उसमें श्रीनगर के पास एक लेडी को लपेट ने मारा था, उस लपेट ने 9 किल किए थे, 9 लगातार किल हो गए थे। तो 9 किल के बाद हम नीचे थे, उसने सुबह 2 औरतों को घायल किया था वहां पे, और उसके बाद केवल 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हम शाम को फिर उसी साइड पे सर्च कर रहे थे, पैदल सर्चिंग था, गाड़ी या नहीं थी। तो जब हम सर्च कर रहे थे तब तक आवाज आ गई, अरे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे एक औरत को बाघ ने मार दिया। तो हम भागते 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 ऊपर पहुंचे, वो चढ़ाई थी, चढ़ाई पे भागते भागते ऊपर गए, तब तक हम वहां पे गए तो हमने देखा कि कहाँ, हमने बोला कहाँ ले गया, बोले वो बैठे हुए, वो तब तक एक शिकारी बैठे हुए, लोकल शिकारी थे उनके, और उसने एक लालटेन रखी है, अंधेरा हो गया था तब तक, और अपने आप एक छोटे से पेड़ पे बैठा हुआ है 2 आदमी। बोला आओ आओ जी आ जाओ यहाँ बैठो, मैंने बोला मैं तो बैठ जाऊँगा, ये काहे को है, बोला ये क्या है, मैं लालटेन, अरे बोला इसी से तो मारते हैं। तो मैंने बोला यार ऐसा है, आपका तरीका और मेरे तरीके में अंतर है, ऐसा करो आप बैठ लो
और भाई मारना एम तो एक है ना, आपने लेपर्ड मारना है, मैंने भी लेपर्ड मारना है, तो आपका एम मेरा एम एक है, तो आप बैठो। परंतु एक चीज देखो, बाई चांस लेपर्ड ना आए तो आप 4 बजे से पहले किसी भी हालत में बॉडी को एक बार मुझे दे देना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी थी। मैंने देखा यार इसने तो बांध भी नहीं रखा इसको, तो मैं वहां से हट गया और हम गांव में चले गए। तो वो बैठे रहे, तो हमने गांव में बोला यार थोड़ा खाना आना बना दो, खाना आना खाया हमने, तो उसका 10 बजे ही कॉल आ गया। मैंने बोला क्यों? बोला यार राहुल जी आ ही नहीं रहा हो, तो चलो बोले आप आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ गया। मैं गया वहां पे, सबसे पहले मैंने सब्बल अब्बल रखे थे, हमने 2 सब्बल ले गए, सब्बल ठोके, बॉडी को हमने तार से बांधा और उसके बाद कस के उसके बाद ऊपर गए। वहां पे मचान में देखा तो वो खाली बैठे हुए थे, हम एक छोटा तख्ते का टुकड़ा ले गए, तख्ता बैठा है क्योंकि हमको पूरी रात बैठना था, तो हम बैठे। उसके बाद हमने उनको बोला चलो अब आप कैसा करो, अपनी लालटेन उठाओ और चलो। और हम लोग बैठे हुए, तो क्योंकि हम जब पेड़ पे आए थे तब तक मतलब हमारे जो साथी था वो भी अब वो जा रहे थे, तो उसने भी सुसु करने के लिए पेड़ी से सुसु करने लग गया। तो उसके सुसु करने में वो केवल 50 मीटर भी नहीं पहुंचे थे तब तक लपट सीधे, क्योंकि हम बॉडी पे घंटी बांधते हैं, घंटी बांधने का मतलब वो जो बॉडी पे आएगा घंटी बज जाएगी, तो हमें अपना आप ही कॉल हो जाएगा कि आ गया है। तो तब टक 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 घंटी बजने लगी, तो उसने फटक से वैसे करके लाइट मारी। तो हमने जब लाइट मारी तो हमने देखा लेपर्ड पूरा बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, सर सर उस लड़की का उधर को था तो वो सर के ऊपर से ऐसे आ गया। अब हम उसको गोली मारते हैं तो मारेंगे कहाँ पे भाई, ये सर है और ये लपट बैठा हुआ है। अब हम यहाँ से फायर कर रहे हैं, यदि हम यहाँ से फायर करते हैं तो हमारी गोली उसको छेदते हुए बॉडी को लग रही, बॉडी का कल सुबह पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम में तो गोली निकलेगी ना, तो बोलेंगे इसको तो गोली भी मारी गई है, तो कैसे फायर करे, समझ में नहीं आ रहा क्या करो। फिर तब मैंने देखा यार इसका लास्ट वाला जो पोर्शन है कमर वाला, यदि मैं इसको गोली मारूंगा यहाँ पर तो ये गोली यहाँ से बाहर निकल के बॉडी से बाहर निकलेगी, तो तब मैंने उसके कमर को एम किया। तो आप बोलो मतलब शिकारी जो शिकारी होगा वो अपने एमिंग में सीधे ही पहले देख लेगा कि मेरी गोली कहाँ जाएगी और मेरी गोली किसको छेदेगी और छेद करने के बाद कहाँ जाएगी, वो अपने आप ही ऑटो माइंड में हो जाता है। मैं जैसे जहाजों में ऑटो पायलट वाला भी है, तो माइंड अपने ही ऑटो ही पूरा कर लेता है कि मैं कहाँ करूंगा और किसको वो करूंगा। मतलब वही आपको केवल ये देखना कि गोली कहाँ मारनी है, आपको देखना है उसके बाद वो गोली कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है ना कुछ। और तो जब आपने कमर में गोली मारी मर गया वो? हाँ, उसके बाद वो घिसट के वहीं पर लुढ़क गया था, बंदर की तरह उठा नाचा और उसके बाद तब लुढ़क गया था। तब तक लुढ़कने का ना तब दूसरे दिन फायर नहीं कर पाया उसको, फिर लुढ़कता लुढ़कता नीचे चले गया था, फिर उसके बाद तब दूसरे दिन दूसरी फायर किया तब जाके मारा। गोली का तो उस समय का है, आप देखो मतलब कोई भी चीज है, कहीं भी कोई भी भाई आप जो भी हथियार चला रहे, कोई भी हथियार है, कोई भी हथियार को सबसे पहले चलाने से पहले तो आदमी उसका पीछे देख करेगा ना कि कहाँ। जब मैं आपको एक केस और बताऊं, मैं 2009 की बात है, यहाँ गैरसैंण पे एक लेपर्ड कार्य कर रहा था, तो मैं उसको मारने का परमिट था मेरे पास, मैं चल रहा था रात को गाड़ी से और सर्च लाइट चल रही थी हमारी, तो देखा हमने कि लेपर्ड मार्केट में दरवाजे के आगे बैठा हुआ है, इतना बड़ा लेपर्ड दरवाजे के आगे बैठा हुआ। कितने बजे की बात है? लगभग 10 बजे। अब एम तो हमने फटक से गाड़ी हाड़ी रोकी, सर्च लाइट की, पर लेकिन फायर करे कैसे, ये तो दरवाजे पे बैठा हुआ है। अब एम तो कर रखा है कि ये खिसकेगा तो फायर करेंगे, जो वो खिसका उसके बाद वो फटाक से भागा, तो भागने पे जब वो दरवाजे से उसने अपने पोर्शन को छोड़ा तो उसके बाद हमने गोली मारी, तो गोली मारी तब उसको गोली नहीं लगी बल्कि एक दीवार पे गोली लग गई थी, तो वो जो दरवाजे पे बैठा हुआ था। यदि आप केवल लेपर्डी को देखते तो अंदर जो आदमी सोए हुए थे वो तो मर जाते भाई, मर जाते। तो ये है मतलब आदमी अपना आप ही सोच लेता है। तो वो वाला फिर पकड़ में आया बाद में? हाँ, बाद में बहुत मारा गया, तब तक मैंने नहीं मारा था। अच्छा। उसको मारा संजय कुमार ने। अच्छा। मतलब वो हमारे उसमें केवल 10 मिनट का फर्क था, आगे पीछे चल रहे थे। अच्छा। तो वो वही मेन है कि जिसकी मौत जिसके हाथ, जिसके हाथ लगी है, तो उसके हाथ उसकी थी, वो हमको मिस कर गया, तब जब वो पहुंचा तब तक उसको फट दिख गया। अच्छा, जैसे अभी जो रूल बने हुए वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में, तो आप परफेक्ट मानते हैं कि जैसे आपके अपने एक्सपीरियंस है तो आप कुछ जोड़ना चाहते हैं कि कुछ और चीज जुड़ जाए? जो मैं तो ये चाहता हूँ ना सर, सबसे पहले तो जो आप लोग उसको बचाने के लिए जो 15 दिन दे रहे हैं ना, उस 15 दिन के लिए तो मैं तो चाहूँ तो मैं किसी भी लपट को सूट करने के लिए तो इस प्रकार का तरीका बताऊं इनको कि इनको लपट सूट करने ही नहीं पड़ेंगे।
लेकिन मैं बता चुका हूँ भाई, हमारे पास कोई 10 या 12 दिन उसको बचाने का है। भाई आप कोई बॉडी है या आपने कोई लाइफ वेट बंधवा है, उसके चारों ओर इस प्रकार का घेरा हम ट्रैप का बनाए ना, ट्रैप दांत वाले ना हो, हल्के वाले ट्रैप हो जो उसको केवल 5 या 10 मिनट के लिए रोक सके। इस प्रकार के चारों ओर उसका घेरा इस प्रकार का बनाए कि लेपर्ड यदि उस बकरी पे या उस पर अटैक करने आता है तो वो किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाए और ट्रैंक्विलाइज वाला मचान पे बैठा रहे, वो उसको वहां से ट्रैंक्विलाइज कर ले। तो क्योंकि बिना उसके ट्रैप में फंसे हुए को यदि हम ट्रैंक्विलाइज करोगे तो ट्रैंक्विलाइज से लेपर्ड 10 मिनट में कितना दूर चले जाएगा, फिर आपका पहाड़ी एरिया है, आप उसको खोज ही नहीं पाओगे ना, तो तब तक क्या पता उसके श्वास नली बंद होगी, वो मर जाएगा, या तो वो इस प्रकार का है कि वो फिर उसके बाद चले देगा, या आप उसके तब पहुंचे जब वो सचेत हो गया तो आप ही को काट जाएगा। और जो हमारे पास जीपीएस डॉट है उसकी कीमत 5 लाख है, कौन खरीदेगा उसको? अच्छा भाई, भाई आदमी की कीमत 3 लाख और जीपीएस की 5 लाख है तो आदमी सस्ता है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ इस प्रकार का करो ना, आपको तो लपेट मारने का कोई वो ही नहीं होगा कि आप लपेट प्रत्येक लपेट को आप केज में डाल दोगे फिर। इस प्रकार का बनाओ ना ट्रेटी भाई, शिकारियों को बुलाओ, अनुभवशील आदमियों को बुलाओ, कमेटी बनाओ, कमेटी में अपने उनके प्रस्तावों को भी तो देखो वो क्या करना चाहते हैं। भाई अब पहले वाला जो जो हमारे पास जो थ्योरी थी वो सारी थ्योरी बदल चुकी है ना भाई, लपट अब कहाँ अकेला है। अभी हम ओकल कांडा में देखे, मेरे साथ नैनीताल जू के 4 डॉक्टर थे, वो लोग मैंने उनको दिखा ये है भैया 4 ग्रुप में बैठा हुआ, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, इसमें तो 2 मेल है फीमेल है सारे है, भाई कहाँ है लेपर्ड, लेपर्ड का व्यवहार कहाँ है, ये तो सारा व्यवहार चेंज हो चुका है ना भाई। आपने भी तो देखा होगा कितने न्यूज़पेपरों में या सीसीटीवी पे सब 2 2 है 3 है 4 4 है हरिद्वार में एक ही पॉइजन से 3 अलग अलग एज के मर गए भाई। लेपर्ड के भोजन को एक भोजन को दूसरा नहीं देख पाता है लेपर्ड, तो 3 कैसे मर गए, इसका मतलब वो एक ग्रुप में थे भाई। एक 6 साल का, एक 4 साल का, एक 8 साल का लेपर्ड मर जा रहा भाई, ये तो हम एक माँ और 2 बच्चे मरते तो हम समझते भाई ये तो एक परिवार था, परंतु वो तो अलग अलग एज ग्रुप का मर रहा है। ये जो आप बात बता रहे हैं ऐसा नहीं कि माँ और बच्चे हैं, वो अलग अलग ये मेल मेल भी हैं, सारे मेल। मैं बोलो मेल, अभी बागेश्वर जो केमू स्टेशन था, केमू स्टेशन में से 2 को हम केस पे लिया, 2 को शूट किया गया भाई, आप लगाओ ना 4 पूरे 4 मेल थे नहीं 2 मेल थे और एक 2 फीमेल थी, परंतु ग्रुप में थे सारे, ग्रुप में थे सारे, ग्रुप में वही एक ही जगह पे रह रहे। अभी रिसेंट, अभी मैं आपको 2 महीने पहले किस्सा बता रहा हूँ कि 4 टाइगर राजा जी नेशनल पार्क में फॉरेस्ट वालों को गश्त पे दिखे और उसमें कोई बच्चा नहीं था जी, मतलब मेल और फीमेल साथ में चल रहे हैं एज ए ग्रुप, जो लायन का बिहेवियर है, लायन का बिहेवियर सेम वही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले तो इनकी थ्योरी को रीड करो ना, तो जो चीज हम बोल रहे हैं थोड़ा उसको तो देखो कि हम लोगों ने तो जब देखा होगा तभी तो हम कह रहे हैं कि यार इस प्रकार का बिहेवियर चेंज हो रहा है। हम वो पुरानी थ्योरी पे चलेंगे तो हम इस समय सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इनकी थ्योरी बदल चुकी है, इनका व्यवहार बदल चुका है, सब चीज बदल चुका है, तो क्यों ना हम उस बदले हुए व्यवहार के हिसाब से कार्य शुरू करें ना, ये है ना मेन। अब तो इस बारे में दोस्तों देखिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि देखिए फॉरेस्ट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोई शक नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लखपत सिंह रावत जी जैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए अपनी जान खतरे में डाल के जिस वक्त ये निकलते हैं उस वक्त इनके लिए शिकार वो लेपर्ड होता है और उसके लिए ये शिकार होते हैं, जिसका दांव पहले चल गया वो जीतेगा, लेकिन ये करते हैं। इन्होंने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया यानी कि R&D की है, इनके विचारों पर भी गौर किया जाना चाहिए, या जैसे आपने जॉय हुकील बोला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैं। तो जब ये कंजर्वेशन की बात हो तो उस वक्त सिर्फ वो लोग नहीं जो कि फॉरेस्ट की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट की नौकरी के बाहर हैं लेकिन फॉरेस्ट में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं, उनकी बातें आप सुन लो, मानना नहीं मानना तो आपको, आप उस पर विचार करोगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसी पे आप गौर करोगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उस बात को आप साइड कर दो, लेकिन विचार तो करो क्योंकि उन लोगों ने अपना जीव। अब जिम कॉर्बेट जी हैं, क्या वो फॉरेस्ट की नौकरी करते थे? लेकिन जितना वो फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं उतना शायद ही कोई जानता होगा। अगर हम लखपत सिंह जी की बात करेंगे तो ये भी आज के युग के जिम कॉर्बेट हैं, आने वाले समय में क्या पता इनको भी वैसे ही याद किया जाएगा जैसे
उनको किया जाता था। आज मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट जी ने कितने 35 मारे थे, कितने 33 मारे थे। लेकिन ऐसा था, कॉर्बेट तो कॉर्बेट थे ना, उनके उस जमाने में वो फैसिलिटियां नहीं थी जो फैसिलिटी हमारे पास है। मेरे पास आजकल बहुत बड़ी लंबी रेंज की टेलीस्कोप है और सर्च लाइटें हैं, नाइट विजन है। भाई उस समय तो टॉर्च भी उपलब्ध नहीं थे ना, पहले तो नहीं थे। हमारा का कंपनी विजन उनके साथ कर रहे हो, पहले तो ऐसा है कि उनके जो एक लेपर्ड था हमारे 100 लेपर्ड। देखिए ये भी इनकी महानता है, बिल्कुल सच है। देखिए जिम कॉर्बेट उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, क्योंकि बंदूकें चेंज हो गई, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन लेपर्ड चेंज नहीं हुआ, उसके पंजे चेंज नहीं हुए। और एक गलती, जैसे जिम कॉर्बेट जी कई बार बचे थे, बिल्कुल वो मौत के मुंह से निकल, ऐसा कभी हुआ कि आप बचे हो? हाँ, एक बार यहाँ चंपावत में था, 2006 की बात थी, उस समय हम बिल्कुल नए नए थे। रात को लेंटिना में एक लेपर्ड था, बहुत दूर था, मैंने 300 के लगभग गज से उसको रात को फायर किया था, तो उसका पेट से गोली निकल के इसके टांग से बाहर निकल गई थी। तो हम सुबह जब गए तो लेंटिना के अंदर था, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा, रात को जहाँ तक हम इसको सर्च लाइट से देखा, लास्ट वहाँ तक हम चलते हैं, तो एक टीला था ऊपर, तो लेपर्ड लास्ट वहां तक जाता हुआ हमने देख रखा था। तो हम लगे हुए नीचे को जाते हुए, तो लेपर्ड वो फीमेल थी, बहुत बड़ी बूढ़ी फीमेल थी, 9 किल कर चुकी थी, वहाँ 9 आदमी को मार चुकी थी। तो ऊपर से हमको देख रही है, हम उसके नीचे से चल रहे हैं और हम उसके 5 मीटर पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और वो पहाड़ी थी, पहाड़ी वो ऊपर से थी, मैं नीचे से जा रहे, वो रेडे थी जंप लेने के लिए हम पे, परंतु खुदा ना खास्ता मैंने यूं ऊपर देखा, अरे तब तक लेपर्ड का सर दिख रहा, मैंने जब तक वो जंप करते, मैंने तुरंत राइफल उठाया, ठक फायर किया, उसके शॉट हेड शॉट मार दिया। तो वो वहीं पर लुढ़क गए थे, उस समय बचे थे हम। एक यहाँ उत्तरकाशी में 2011 की बात है, दिन में 2 बच्चियां भैंस चरा रही थी, तो एक लेपर्ड उस समय वो 5 किल कर चुका था बड़ी बड़ी औरतों को, तो उन बच्चियों को घिरा रहा था, जहां वो उनको घात लगाने के लिए या जा रहा था, तब तक भैंस बीच में आ जा रही थी, तो वो बच्चियां बच जा रही थी। तो ऐसे किसी ने उसी समय हमको कॉल किया कि फलाने जगह पर लेपर्ड दिख रहा है, तो हम वहां पहुंच चुके थे। तो लेपर्ड जब तक उसके पंजे देख, हमने अरे ये तो लेपर्ड यही है, तो हम यूँ जा रहे थे, तब तक किसी ने बोले यार अभी इस रोड से यहीं पर लेपर्ड गया है, तो वो रोड के नीचे इस कबर का नाला, वो गड्ढा था, गड्ढे में बैठा हुआ है, और हम दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, एक पौड़ी का है लड़का, एक वो था और एक मैं था, मैं उसके पीछे से जा रहा हूँ, तो फटाफट दौड़ दौड़ के, तो ठीक लेपर्ड के आगे पहुँच गया, तो लेपर्ड ने उस पर जंप ले लिया सीधे। जब लेपर्ड ने उस पर जंप लिया, तब तक मैं उसके पीछे पहुंच गया, और पीछे पहुंचा तो उसने जब मेरे को देखा तो लेपर्ड ने हवा में ही टर्न ले लिया, एकदम हवा में ही बैक हो गया, और बैक होते जो वो आगे उसने जंप उसकी जमीन में आया, जमीन से वो 10 मीटर जा सका, तब तक मैंने उसको तुरंत फायर कर दिया, तो वहीं पे गिर गया था। एक उस समय बचे थे, नहीं तो उसने उसी में फाड़ दिया। वो गोली कहाँ लगी उसको? उसके यहाँ से लगी थी पीछे से, क्योंकि वो दौड़ रहा था, पीछे से लगी थी, यहाँ से सर से बाहर निकल गई। अच्छा, तो ये जो आपकी बंदूक है इसकी रेंज कितनी? हमारे पास जो 315 बोर है उससे मैं रात को 400 गज तक मार सकता हूँ। अच्छा। परंतु अब ज्यादा एज होने के कारण आंखों की लाइट कम हो गई, तो फिर भी मतलब 200 तक मैं आराम से हिट कर लेता हूँ। और जहाँ मारते वहीं लगती है? हाँ, गोली वहीं लगती है। 400 गज का मतलब फिट में कितना हो गया? 1200 लगभग, 1200 के लगभग है ना, 1200 फिट हो गया। और जिम कॉर्बेट के टाइम पे जैसे उनके पास जो हथियार था ना, उनके पास 275 बोर थी, केवल वही राइफल थी, बहुत पतली वाली थी। हाँ। बाकी वो जो जिससे अधिकतर वो लोग मचानों से मारते थे, तो उनके उस समय की मचान पे तो आदमी मारेगा 50 या 60 गज 70 गज ऐसे ही मार लेते थे, परंतु जो हथियार है आजकल, जो क्योंकि टेलीस्कोप लगा हथियार है, टेलीस्कोप लगा हथियार 0 मार लेता ना पूरा। अच्छा। हाँ। उनके टाइम पे टेलीस्कोप नहीं था ना, उस समय टॉर्च ही नहीं थे, टेलीस्कोप तो बहुत बड़ी चीज, पहले नहीं थी, बाद में आ गई थी, बाद में आ गई, रुद्रप्रयाग के टाइम पे आ गई थी। तो एक बार जैसे ये अच्छे बंदूक का, एक तो हमारे सब्सक्राइबर्स को आप लोड करके दिखा दें कैसे लोड करते हैं, और इसका रखरखाव कैसे करते हैं आप? ऐसा है, इसका तो कुछ नहीं, हमारे पास जो भी होगा, हमारे पास जो हथियार है वो केवल बोल्ट एक्शन होते हैं, तो हमारे ये बोल्ट एक्शन है, इस पर केवल ये डालो, इसके अंदर राउंड डालो और इसको
लोड कर लो। अच्छा, हमारे पास केवल बोल्ड एक्शन होता है। हाँ, एक्यूरेट भी यही होता है। हाँ, एक्यूरेट ऑटो हथियार हमको नहीं, ऑटो एक्यूरेट होता है, एके 47 नहीं है, बिल्कुल सटीक नहीं मारती है। जी, मारती सटीक यही है, सटीक यही मारती है। और इसमें बोर अलग अलग है, 315 बोर है, 375 बोर है, अलग अलग है। इसमें बोर में क्या फर्क होता है दोनों में? बोर में मोटाई, इतना मोटा राउंड है तो 315 ज्यादा मोटा है कि 375 मोटा है? मोटा है वो, ज्यादा मतलब घातक है, झटका भी मारेगा आपको। झटका तो आपको ऐसे नए आदमी करेगा तो नए को तो मारेगा, पुराने को तो पता ही नहीं चलता। हाँ। क्योंकि आपका एम माइंड और सारी चीज उस समय ध्यान वहां रहता है। मैं तो बोलता हूँ कि गोली चलाने वाले हम को थे, आपके माइंड सेट जैसा है तो आप वैसे हो जाता है, क्योंकि वो गोली अपना आप ही आपके माइंड वेव से ही चल लेती है। भाई शूटर वही हुआ जिसको ये पता ना चले कि मेरा टाइगर कब दबा, मेरा निशाना कब लगा, कब लगा, वो अपना आप ही। उसी तरह से अच्छा ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, अपना आप ही अपने आप होता रहता। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एम लेके मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो टेलीस्कोप है उससे कैसा नजर आता है। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर क्या दिख रहा है? प्लस होगा उस पे है? प्लस होता है उसके अंदर। हाँ, प्लस दिखता है ना। हाँ, वो प्लस ही जोड़ना पड़ता है यहाँ पे। ये अंदर शायद प्लस दिख रहा है, मैंने एक लेंस चेंज किया, देखता क्लियर इसमें दिख नहीं रहा। तो ये देखिए दोस्तों, एक गन है और इस तरीके से ये शॉट लेती है। और जो पुराने जमाने में था इसको मक्खी बोलते थे कि ये देखिए, ये जिम कॉर्बेट इससे निशाना लेते थे। ये जो मक्खी है इसके बीच में से, इस पे जो अगर टाइगर की आंख या उस पे निशाना मारेंगे वहीं लगती थी। आज आपके पास में और ज़्यादा फैसिलिटी है कि ये टेलीस्कोप लगा है और टेलीस्कोप से जहां आप निशाना लेंगे एग्जैक्ट बिल्कुल मतलब कितना बिल्कुल बाल के बराबर, बाल के बराबर मार लेता है। वो तो आप पे है, आप कितना थम करोगे इसको ना। हाँ। आप कितना रोक पाते हैं उसी पे है। यदि आप राइफल हिल रही है किसी कारण से, आप डबल माइंड है तो आप कभी फायर नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा होता है कि कभी कभी अचानक हार्ट बीट बढ़ गई किसी को देखते हुए, तो आप लगा लो आपकी गोली वहां लगेगी नहीं। तो जैसे आप जब शॉट मारते हैं तो सांस रोकते हैं? सांस रुकती है, हर चीज अपना आप ही ऑटो रुकती है। क्योंकि ऐसा है ना इसमें तो जैसे किसी समय आपके हार्ट बीट बढ़ गई तो कोई जरूरी नहीं आपकी गोली लगे फिर। अच्छा, मतलब हर चीज होता है। आप डबल माइंड है, आप दो प्रकार से सोच रहे हैं, या आपने टाइम दिया या पहचान नहीं हो रही आपको, या लपट होगा या दूसरा लपट होगा, तो आपकी गोली लगेगी नहीं, चाहे वो ओरिजिनल ही क्यों ना हो। हाँ। नहीं लगेगी, तो आप पहले ही कन्फर्म हो जाना चाहिए आप जब ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम दे होगा लपेट आपने पहचाना, क्योंकि लपेट का फिगर आपके माइंड में है। हम लोग उसके पंजों को देखकर हमारे पास एक उस माइंड में उसका एक फिगर बन जाता है कि ये 8 साल का है, 6 साल का है, मेल है, फीमेल है, पंजे से सारी चीज़ उसकी पूरा फिगर बन गया। उस फिगर पे ही आपको जो आपको दिख रहा है उसका मैचिंग करना है, और आपके पास केवल 5 सेकेंड का टाइम है। तो आप लगा लो आपको इतने क्विक माइंड से काम करना पड़ेगा तभी आप सक्सेस शिकारी हैं, और नहीं तो आप किल पे किल करता जाएगा। यदि आप लपेट के माइंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं और लपेट कहीं किल पे किल करता जा रहा, आप उसके पीछे लगे रहो तो वो चलता जाएगा, तुम भी उसके पीछे चलते जाओगे। यदि आप उसके सोचने से आगे सोच पाए तो आप शूटर हैं, आप बहुत बढ़िया शिकारी हैं, आप उसके माइंड को पढ़ सक रहे हैं। यदि आप पे ये काबिलियत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जी दोस्तों देखिए, जैसा कि अगर आप क्रिकेट से अगर ध्यान दोगे तो जो बैट्समैन के मन में क्रीज पे प्रेशर है वही प्रेशर आपके सामने है। बैट्समैन को जान का खतरा नहीं है, आपको यह है कि अगर मैंने गलती की तो मैं जान से भी जाऊंगा, और वही प्रेशर है। जैसे आपको भी ये प्रेशर है, अगर मैं चूक गया, जैसे आपने आज आपके पास में एक तरह से है कि आपने 55 मारे हैं, है ना। जब आपको कहीं बुलाया जाता है या जहां आप जाते हैं तो एक अलग ही सम्मान है कि भाई ये सक्सेसफुल है। अगर 3 बार एक लेपर्ड चूक गया तो आपके मन में प्रेशर आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा, प्रेशर तो अपना आप ही आएगा भाई, ऐसा होता है फिर। लेकिन आप पे यह है कि आप, क्योंकि हम लोग बिना अपने जो फिगर हमारे माइंड में है उसके बिना मैचिंग के हम किसी को शूट नहीं करते। हम आपको एक उदाहरण बताऊं, ये सोराखाल साइट था रुद्रप्रयाग में, एक लपेट ने एक आदमी को एक दिन मारा, दूसरे दिन उसे एक औरत को मारा, तो उसको हमको परमिट जारी हो गया था। परमिट जारी होने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो जंगल का बात थी, उसमें जंगल का एरिया था, जंगल का एरिया में ये हो रहा था
क्योंकि हमको लपेट के पग चिन्ह नहीं मिल रहे थे, तो हमारे पहुंचने से पहले, क्योंकि उस दिन बॉडी रखी हुई थी आदमी की, तो फॉरेस्ट जब परमिट जारी हो गया था, उन्होंने बोला यार शिकारी लोग लेट पहुंच रहे हैं, तो गांव वाले दो तीन आदमी उसमें बैठ गए, तो बैठे तो लपेट आ गया, लपेट आया तो उन्होंने लपेट को देख के वो घबरा गए, उन्होंने फायर किया तो गोली नहीं लगी लपेट को। तो जब वो हमारे पास आए, हमने बोला क्या देखा तुमने, कितना बड़ा, अरे साहब इतना बड़ा था, ये था बहुत बड़ा था। फिर हमने उसके ट्रेसिंग किया, हमको उसके ट्रेस कहीं नहीं मिले, तो वही फिगर कि यार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसके बाद वही लपेट एक दिन शाम को रोड पे चल रहा था, रोड पे माने गांव के जो जंगल की रोड है, जंगल की रोड पे एक ने देखा, उसने मेरे को तुरंत आया सर को वहां पर लपेट दिख रहा। फिर उसके बाद मैं तैयार हुआ, मैं निकला वहां के लिए, तब तक एक स्कूटी वाला और आ गया, सर सर वहां पर लपेट दिख रहा। ठीक है, तो मैं भी उससे केवल 2-3 किलोमीटर पे था, मैं तुरंत पहुंचा वहां, तो लपेट मेरे को भी दिखा, लपेट दिखा, मैंने बोला यार ये लपेट तो जैसे वो बता रहे थे वो और ये मैच नहीं कर रहे, तो मैंने उसको फायर नहीं किया, जबकि वही ओरिजिनल लपेट था, परंतु वही आपके जो माइंड फिगर आपने जो बना रखा था वो मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम उसको शूट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उसने एक किल और किया, उस किलिंग पे हम लोग रात को मैं और जॉय हुकिल उस पे बैठे हुए थे, उस बॉडी पे, तो उस बॉडी पे जब वो आया घाव 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 की आवाज़ करते हुए, तो मैं उस समय था, मैंने बोला जॉय मैं लाइट मारूंगा तुम फायर करो उस पे, तो मैंने लाइट मारी, तो लाइट पे जब मैंने देखा अरे यार लपेट तो छोटा है, और उसने जॉय ने उसको तुरंत भागते हुए फायर किया, तो उसके एक दाना उसके पेट पे लग गया था, तो ब्लड व्लड निकला, मिला नहीं, निकल गया, तो निकल गया। उसके बाद एक महीने तक कोई किलिंग नहीं हुई, तो हमने सोचा मर गया होगा शायद, बॉडी नहीं मिली हमको, कोई बात नहीं। उसके बाद एक महीने बाद उसने फिर किल किया, तो फिर तब उस समय हमारे यहाँ बर्फ गिर गई थी, मैं जा नहीं पाया था, जॉय ने उसको शूट किया, तो उसके पेट से वो उस दिन का वो जो दाना था वो निकला। तो जब निकला तब देखा हमने यार इन लोगों ने हमको केवल कंफ्यूज कर दिया था, बाकी थी इसको तो हम वहीं निपटा देते, दो आदमी बच जाते, परंतु ये था कि हम भी कंफ्यूज हो गए, मतलब इतना बड़ा है ना, बड़ा है तो क्योंकि जब भय का भूत होता है ना उनके उनके लिए सही में उतना बड़ा था, उनके एक इमेज जो बन गई थी, वही गड़बड़ हो गया। एक मेरा सवाल है, जो एक मेरी सब्सक्राइबर है वो डॉक्टर है, डॉक्टर इंदिरा मलिक रोहतक पीजीआई में जी। उन अभी एक टाइगर मर गया, आपने रिसेंटली सुना होगा रणथंभौर में जी। उस्ताद का बेटा था शायद, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और बाद में वो मर गया, हाँ वो होश में नहीं आया जी। तो उनका एक सवाल था, क्योंकि वो आदमियों के डॉक्टर है, वो बोले क्योंकि वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बताया जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो जो मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा कि अगर टाइगर को कैप पहना दी जाए ऑक्सीजन की, तो वो बोली कोई फायदा नहीं करेगा। रीजन क्या है कि उसकी मसल्स ही लूज हो जाती है, उसको जब आपने ट्रैंकुलाइज किया तो उसके अंदर का जो फेफड़े हैं लंग्स हैं वो ही खींचने लायक नहीं, भले कितनी ऑक्सीजन मुंह पे रख दो। तो उसके अंदर जैसे कि आदमी के अंदर बाईपैप डालते हैं, अंदर प्रेशर से हवा भेजी जाती है, क्योंकि उसका लंग्स जब तक वो बेहोश है या कुछ प्रॉब्लम है काम नहीं कर रहा। तो ऐसी अगर कोई चीज बन जाए कि जिसको ट्रैंकुलाइज किया गया है उसके मुंह में नली डाल दी जाए और बाहर से एक्सटर्नल वो फोर्स किया जाए, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? वैसे तो इस पे तो डॉक्टर लोग ही ज्यादा बचा पाए, क्योंकि हम लोग तो इस पे ज्यादा पर। लेकिन ऐसा है, एक चीज और मैंने इनको बताया था उस समय, मैं एक चीज बहुत पहले से बता रहा हूँ कि जो भी लेंटीना वाले एरिया में जो भी जानवर है उनके वहाँ जो लेपर्ड है या टाइगर है उनके दांत और आंतों में ज्यादा डिफेक्टेड है, तो उनके आंत और दांतों के डिफेक्टेड के लिए मैंने एक चीज देखा था कि जो भी जानवर उस एरिया पे है, चाहे वो खरगोश है, चाहे वो काकड़ है, चाहे वॉकिंग डियर है, कोई भी है, उसके मांस में जो खट्टापन है उसके कारण ज्यादा उनके दांत और आंतों में डिफेक्टेड हो रहा है। तो हम ये देखें ना उस समय कि उस लेंटीना वाले एरिया में इस प्रकार का है या नहीं है, भाई तो वो देखेंगे ना, साइंस वाले देखेंगे। केवल अच्छा, हमको तो बताना था कि इस प्रकार अच्छा, का भी है। मैंने थोड़ा लेंटीना मैंने भी थोड़ा आरएनडी करी है जी, कि जैसे कि लेंटाना क्या है कि अगर 20% जैसे बचपन में हमने भी खाया, क्या पता आपने भी खाया हो फल कभी, हमारे यहाँ होता नहीं। अच्छा, आपके नहीं होता, हमारे यहाँ तो बचपन में बहुत था मध्य प्रदेश में। तो बाद में मैंने पढ़ा कि अगर आप अपने वजन का 20% खा लेते हैं, मान लीजिए आपको वजन 80 किलो है, अपने वेट का 20 किलो अगर आप खा लेते हैं तो आपकी डेथ हो जाएगी। अगर उससे कम है तो नहीं होगी, मतलब स्लो पॉइजन होगा। जैसे भालू है, आज जो लेंटाना की बहुत बड़ी समस्या है, और जो एक उस पर भी मेरा अभी आपसे सवाल होगा, लेंटाना उन्मूलन पे फॉरेस्ट वाले भी काम कर रहे हैं, और हमारे लिए कि ये अभिशाप बन गया, जो कि अंग्रेज लाए थे यूरोप से लाया हुआ, ये लाए थे खूबसूरती के लिए, लेकिन उनकी नीयत खराब नहीं थी,
उनके देश में क्या होता है कि जब लंटाना उगती है हर साल बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है तो वो खत्म हो जाती है, फिर हो जाती है। हमारे देश में क्या है, गर्मी वो फलती है, वो खत्म नहीं होती, नई पैदा होती, बढ़ती ही जा रही है। अब भालू क्या करता है, भालू इसको लंटाना को बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका योगदान है, वो क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, 20 ज्यादा दूर तक ले जाएगा, तो वो 20 किलो 20% नहीं खा पाता, जहां जाता है ड्रॉपिंग डालता है वहां पे नए निकल आते हैं और उसको उसका स्वाद भी आता है। तो इसमें मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए जैसे ये नुकसानदायक है स्लो पॉइजन, जैसे आपने बोला कि मांस खट्टा होने का स्लो पॉइजन तो है ही लंटाना, अब अगर मान लीजिए कि डियर ने लंटाना खाया, उसको लेपर्ड ने खाया, अगर लेपर्ड की आंतों पे इफेक्ट आ रहा है तो उस डियर पे इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, डियर के मांस में अल्कोहल बढ़ गया ना। अच्छा, उसके मांस में बढ़ रहा है अल्कोहल। अच्छा, क्योंकि उसका जो मांस है वो खट्टा है। अच्छा, तो अल्कोहल उसके मांस में बढ़ रहा है। हाँ, तो जब वो उस मांस को खाएगा, हाँ, भाई आप भी लगाओ ना, आपको लगातार नींबू खाएंगे तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे, तो आप नहीं खाना चाहेंगे ना, फिर आपको तो दूसरी चीज चाहिए, तो वही हो रहा है, एक तो दांत सड़ जा रहे हैं, आंतों में डिफेक्टेड हो रहा है, और उसको उस मांस खाने की इच्छा जा ही नहीं रही है, इसलिए वो आदमी पर ज्यादा अटैक करता है। भाई आपने देखा जयगांव है, जयगांव में 38 केस थे 2009 में। अच्छा, 38 केस है एक गांव, तो वहाँ लेंटीना चारों ओर से लेंटीना से झुका हुआ, तो वहाँ का लेपर्ड जानवर को नहीं आदमी को खाना पसंद कर रहा, मतलब उसको टेस्ट पसंद नहीं, टेस्ट पसंद नहीं आ रहा जी, क्योंकि वही मेरे मन में सवाल था कि भालू इतना ज्यादा लंटाना खा रहा है तो उसको क्यों नहीं, उसके दांत क्यों नहीं गिर रहे, दांत गिरने का देखो मांस मांस के लिए वाला केस, क्योंकि भालू तो फल भी खा रहा है, फल खा रहा है, इसको सिर्फ मांस चाहिए, मांस मांस, हाँ, तो ये चक्कर है कि वो मतलब उसको टेस्ट चेंज करना, टेस्ट चेंज करना है। अच्छा, दूसरा लंटाना उन्मूलन से कुछ मतलब आप सलाह दे सकते हैं कि लंटाना का उन्मूलन कैसे किया जाए? लंटाना के उन्मूलन के लिए जब तक आदमी स्वयं न करे ना, गांव वाला स्वयं न करे, हम अपने घर के लंटाना को स्वयं न करे, क्योंकि एक बार मैं पौड़ी में गया था तो वहां देखा फॉरेस्ट वाले जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक वो अपनी लंटाना को निकाल ही नहीं रहे थे, अपने गाँव घर के आगे के नहीं निकाल रहे थे। तुम कब तक सरकार के उस पर विश्वास पे रहोगे? मैं स्वयं जब हमको बच्चे नहीं निकालेंगे, अपने खेतों के लंटाना निकालेंगे तो अपना भी उसको उन्मूलन हो जाएगा, हम सरकार के हिसाब पर इसका भी हमको पैसा मिलेगा तब हम निकालेंगे, तो इस प्रकार से तो कुछ होने का नहीं है ना जी। ये अच्छा, ये किसने मेरे दादाजी हैं, बुड्ढे दादाजी लक्ष्मण सिंह शिकारी के नाम पे जाने जाते हैं। ये किसने, अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने दिए। अच्छा, क्या नाम था उनका? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह रावत जी। 24 जनवरी क्या डेट पड़ी? 12/12/1912 जी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस पे उन्होंने वो जहाँ शिकार के लिए जाना था ना, पंजाब लाहौर की है, तो वहाँ से उनको परमिट है क्या? हाँ, परमिट नहीं, उनको बुलाया गया है शिकार, उनके अंग्रेजों का। अच्छा, अच्छा, शिकार के लिए। अच्छा, ये 2025 का है। हाँ, ये भी इसमें तो उसका भी है जो कमिश्नर जिम कॉर्बेट के साथ टाइगर मारने उसको यहाँ लिखा होगा एबर्टसन। इसमें दादाजी को उनके शिकार में जाने के लिए 50 आने मिलते थे उस समय। अच्छा, 8 आने लिखा, 1 रुपए का 1/8 वो लिखा है। अच्छा, इसमें आप लोगों को मिलते हैं कुछ पैसे? नहीं, कुछ नहीं, हमारा तो फ्री सेवा है, फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा, परमिट देंगे बस। हाँ, जाइए अपना खर्च करो, मारो और अच्छा, सब कुछ आपका है, सब कुछ, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब अपना, सब अपना। तो देखिए दोस्तों, आपके परदादा जी भी शिकारी थे और जिम कॉर्बेट के टाइम पर ही थे ये 25, उनसे पहले पहले, हाँ मतलब 25 वही, ये 12 का है ना वो 25। हाँ, हाँ, 12 वाला भी नहीं, 1907 में भी थे जिम कॉर्बेट, उन्होंने वो मारा था। हाँ, मेरे ख्याल से पनार या कौन सा मारा था, पनार वाला मैंने। तो ये उसी समकालीन हो गए उस समय, एबर्टसन का भी है इसमें। हाँ, ये मिस्टर एबर्टसन, प्लीज राइट योर एक्सेप्टेंस फॉर पर डे, ये नीचे साइन है, और ये आई शैल रिक्वायर 10 कुलीज, 1 छोटा शिकारी, एक छोटा शिकारी बिसाइड, छोटा शिकारी को सपोर्ट में रखते, सपोर्ट के लिए ले जाने था। कि कभी चुक गए कभी हुआ है ना, छोटा शिकारी। अच्छा सर, मैंने सुना है कि जो आपने मारे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, मेरा ये विश्व रिकॉर्ड है और मैं निशुल्क रूप से सेवा देता हूँ, इसका कोई आपको हर्जाना खर्जाना गाड़ी गाड़ी कुछ कोई भी पैसा सरकार नहीं देती है। और आप ये लगा लो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले आदमी को उत्तराखंड सरकार अभी तक जानती भी नहीं है। अच्छा जी, और इसका इस बारे में कुछ भी नहीं मिला आपको? आप नहीं, निःशुल्क है पूरा। हाँ, और कोई भी पुरस्कार नहीं है। अच्छा, कोई पुरस्कार भी नहीं मिला? नहीं। ये थे हमारे सवाल जवाब लखपत सिंह रावत जी से, और बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और यही महान व्यक्तियों की निशानी होती है। तो इस बार आपसे मिलाया और कोशिश करूंगा कि बार बार आपसे मुलाकात होती रहे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ज्यादातर आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले तो फिर मिलो, आपसे मुलाकात होगी और फिर सवाल जवाब होंगे।
तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ओके, वंदे मातरम।